हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन तो कैसे हो आप सभी लोग मैं दर्शन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे तो हम जियो आई के लिए एक टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है इस पहले की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने कि वट इज़ अ पॉपुलर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी रीड ऑन बोथ पी एंड कंप्यूटर तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अडोब एक्रोट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन इमेज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ पिक्सल ऑफ वट तो वो किसका बना होता है तो वो होता है पिक्सल नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज डॉट पर इंच डी पी आई मेजर तो ये क्या करता है डेंसिटी ऑफ पिक्सल ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ यूनिट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन दैट कंटेन डेटा एज वेल एज द प्रोसीजर्स और ऑपरेशन इज कॉल्ड वो हो जाएगा आपका आंसर एन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रूली क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज तो वो कौन थी जावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज तो राइट आंसर हो जाएगा रेशनल डेटाबेस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट इज़ द न्यूएसट टाइप ऑफ डेटाबेस विच इज विच इज़ वेल सिचुएटेड फॉर मल्टी मीडिया एप्लीकेशंस कॉल्ड तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू द सर्कल ऑन ए डेटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रिंट्स वाई सेलेक्टिवली अनचेंजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉट ऑन ए मेटल ड्रम इज एन तो वो क्या होता है हमारा लेजर प्रिंटर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ बूट इन ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज इज काउज बाई तो राइट right आंसर हो जाएगा टाइपिंग द कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेटिंग सेटिंग फॉन्ट फॉर इन द टेक्स्ट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो वो हो जाता है हमारा फॉर्मेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैक् इज द फाइल यूज बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव तो क्या हो जाता है एफ ए टी नेक्स्ट है डैश डैस प्रो सॉफ्टवेयर अलाउ द यूजर टू स्पीक इन टू द कंप्यूटर रैदर दैन टाइप इन टेक्स्ट तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्पीच री रिकॉगिनेशन नेक्स्ट है अ सर्वर यूज डैश डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू स्पोर्ट इट्स इ्स क्लाइंट कंप्यूटर्स तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बैक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट ड एक्सपी स्टैंड फॉर इन विंडोज एक्सपी तो एक्सपी की फॉर्म क्या हो जाती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ वट शिम्बल इज यूज इन एक्सल टू डिनोट एक्सपोनेंशियल नंबर तो वो हो जाएगा आपका इस तरह से नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ वायरस तो कौन सा नहीं होता है वो होता है ईमेल मैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंटर टाइप इन एन इम्पैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा हो जाता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नेक्स्ट है हमारे पास वट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट वी यूज टू ट्रांस ट्रांसलेट स्कैंड टेक्स इन टू ए फॉर्मेट दैट कैन बी मैनिपुलेटेड तो वो क्या हो जाता है हमारा ओ सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर मोनिटर विल हैव तो क्या होता है हाई डी पी आई नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्टें वेब पेजिस तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा

नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डैश डैश एंड कन्वर्ट इन टू इंफॉर्मेशन तो राइट आंसर हो जाएगा डेटा नेक्स्ट है द सामल्टेनिश प्रोसेस ऑफ टू और मोर प्रोग्राम वाई मल्टीपल प्रोसेसर इज तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा स्टार्ट बटन नेक्स्ट है द डैश डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टिड वट आर नॉट येट रेडी टू सेंड तो उसको क्या बोलते हैं ड्राफ्ट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो ट्रू को छोड़ो तो ये क्या हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफाइन द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट स्टैंडर्ड फॉर कंप्यूटर विद द इंटरनल प्रोसेसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द डैश डैश रिकॉर्ड द नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन फॉर एवरी फाइल ऑन डिस्क तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेटेड टेबल तो ये थे हमारे आज के हमारे सिक्सटी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वीडियो में थैंक यू सो मच